वेलकम बैक। अब हम एक नई टू डू एप्लीकेशन बनाते हैं और स्टार्ट से लारावेल का एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, नई लारावेल को इंस्टॉल करता हूँ, नए लारावेल के प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। लारावेल न्यू टू डू, ओके। सो जब तक हमारी लारावेल की एप्लीकेशन जो है वो लारावेल इंस्टॉल होती है, तब तक हम वेट करते हैं, फिर उसके बाद हम इसका प्रोसेस, इसके डेवलपमेंट शुरू करेंगे। प्रोजेक्ट हमारा इंस्टॉल हो चुका है, तो चलिए टू डू, और ये जी हमारी एप्लीकेशन में एंटर हो गया जी, PHP आर्टिसन सर्व, और ये हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है लारावेल का, जो हमने लारावेल को इंस्टॉल किया है। तो जी ये पास हमारे लारावेल चल रही है जैसे कि हमने सेम पहले इंस्टॉल की थी। अब हमें इसके अंदर अपनी एप्लीकेशन बनानी है, जो कि हम कई ऐसी एप्लीकेशन, एक ऐसी फंक्शनैलिटी बना लेंगे जिसमें डाटा को इंसर्ट भी किया जा रहा है, एडिट भी किया जा रहा है और डिलीट भी किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं VS कोड ओपन करता हूँ, ठीक है। VS कोड ओपन करने के बाद, ठीक है, वैसे मैं डायरेक्टली फोल्डर से भी ओपन कर सकता हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकल को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो ठीक है आप भी ऐसे ही करिएगा। और उसके बाद ये हमारा पहले वाला प्रोजेक्ट ओपन हुआ है, यहाँ से मैं नया प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम था जी टू डू। ले जी ये हमारे पास, ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से इस एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, टर्मिनल के थ्रू, जो कि हमारे पास अपना टर्मिनल है VS कोड का। तो जी ये हमारे पास VS कोड का टर्मिनल आ गया, PHP आर्टिसन सर्व, ठीक है। और चलिए सॉरी PHP आर्टिसन सर्व, ओके। तो अब छोटी छोटी चीज़ों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे आते हैं। ये मेरा अपवर्क खुला हुआ है, ठीक है। अच्छा भाई, डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे आते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए से मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मेरे पास यहाँ पर व्यू की फाइल है जी, और ये व्यूज़ के अंदर वेलकम डॉट PHP की फाइल है जी, और एक दफ़ा इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा। तो जी एग्जैक्टली चल रहा है। अब आप सबको बूटस्ट्रैप आता होगा, अगर आपको बूटस्ट्रैप नहीं आता, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें मेरा बूटस्ट्रैप का कंप्लीट कोर्स है। और अगर आपको HTML CSS भी नहीं आती, तो आप मेरा HTML CSS की भी सीरीज को देख सकते हो, ठीक है। सबको बूटस्ट्रैप आता है, तो बूटस्ट्रैप 4 पर चलते हैं, ठीक है। और बूटस्ट्रैप 4 पर जाके W3 स्कूल्स पर जाते हैं, और वहाँ से जस्ट उसकी फाइलों को कॉपी कर लेते हैं, और फाइलों को कॉपी करके हम डायरेक्टली इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, जो ऊपर वाले जो उसके लिंक्स होते हैं, हेडर फाइल्स जो होती हैं, ठीक है, हेडर फाइल्स के हम लिंक्स को पेस्ट कर देते हैं, ताकि हम डायरेक्टली काम कर सके, ठीक है। और ऑफलाइन भी इसको इंस्टॉल करना चाहें कर सकते हैं, जो कि हम जब टेम्पलेट इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर, कोई भी टेम्पलेट हम देख लेंगे नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स के अंदर, ठीक है, वो हम इसको इंस्टॉल करेंगे, तो उसमें आपका वो सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हमें टू डू एप्लीकेशन बनानी है, तो मैं ऐसा करने वाला हूँ कि मैं ये सारे का सारा कोड उठाने वाला हूँ और इसको यहाँ पेस्ट करके एक दफ़ा ट्राई करने वाला हूँ कि ये चल रहा है या नहीं। तो ठीक है जी, हमारे पास हमारा चल रहा है, ठीक है, कंटेनर फ्लूट के अंदर। तो ऐसा करना है मुझे, मुझे इस पार्ट को ख़त्म करना है, ठीक है। अभी हम इस सीरीज के, ये टू डू एप्लीकेशन के बाद हम ऑथेंटिकेशन बनाना भी सीखेंगे, मिडलवेयर्स भी सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक नया फोल्डर बनाना है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बनाया था, लेआउट्स फोल्डर का नाम रखा था, ठीक है। उस लेआउट्स के फोल्डर के अंदर मुझे यहाँ app.blade.php बनाना है, आपकी अपनी मर्जी, आप जो मर्जी नाम रख सकते हैं, मैं app.blade.php रख रहा हूँ नाम। और इसके अंदर मुझे अपना ये सारा का सारा कॉन्टेंट उठा के, जो कोड है मेरा बेसिकली, उठा के इसको यहाँ रखना है। और इसके बाद मुझे यहाँ पर यील्ड लगाना है, ठीक है, और उस यील्ड को मुझे कॉन्टेंट कह देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने हर पेज के लिए टाइटल अलग रखना है तो रख लो, अदरवाइज मैं इसको जस्ट टू डू एप्लीकेशन बोल रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक्सटेंड्स यूज़ कर रहा हूँ, और एक्सटेंड्स के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, लेआउट्स डॉट ऐप और सेक्शन, और सेक्शन के अंदर मैं ये लिख रहा हूँ जी कॉन्टेंट एंड सेक्शन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ मैं जस्ट कुछ चीज़ ट्राई करने वाला हूँ, देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं, ठीक है। और जी रन किया, तो ये हमारे पास एप्लीकेशन तो आ गई है, लेकिन ये नहीं चल रहा है, ये क्यों नहीं चल रहा जी, इसको कंट्रोल यू करके देखते हैं जी। ओके ये बॉडी है हमारी, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी कंटेंट के स्पेलिंग गलत लिखे हुए मैंने, अब ट्राई करते हैं,
ठीक है जी। बेसिकली लारावेल जो है ना थोड़ी सी केस सेंसिटिव है, तो इसका हमें ख्याल रखना पड़ता है जी, ये कंटेंट यहाँ पर। और अब मैं इसको सेम यहाँ पर आप ट्राई करते हैं। लीजिए हमारे पास हमारी आउटपुट आ गई। अब हमें डायरेक्टली यहाँ एक फॉर्म बनाना है और उसके बाद हम जस्ट करेंगे जिसके अंदर हम पोस्ट कर लें, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ एक नेविगेशन बार कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो नेविगेशन बार को मैं कैसे कॉपी करूँगा, मैं यहाँ पर जी गेट बूटस्ट्रैप पर जाता हूँ, बूटस्ट्रैप 4 पे करते हैं, ठीक है। थोड़ा स्पीड में काम करते हैं ताकि हम मेन बैकएंड पर पहुंच सके, ठीक है। फ्रंट एंड पे हमने ज्यादा कोई, ठीक है, आप देख लो फ्रंट एंड अपनी मर्जी के मुताबिक, जिस तरह का आपने रखना है आप रख सकते हो, ठीक है। ये लेआउट्स है जी, ये कंपोनेंट्स में जा रहा हूँ मैं, और कंपोनेंट्स में जाके यहाँ से मैं इस वन नेवर, ठीक है, ये नेवर पे जाता हूँ जी। और यहाँ से मैं एक नेविगेशन बार कॉपी कर लेता हूँ जो कि मेरे पास ये है, इसको मैं रख रहा हूँ जी ऐप में ताकि ये सारे के सारे पेजेस में शो हो। और उसके बाद एक इसका मेन पेज रख रहा हूँ, ठीक है, टू डू ऐप है ये हमारे पास, ठीक है। एक इसका मेन पेज रख रहा हूँ जहाँ सारी की सारी पोस्ट शो होंगी, ठीक है। और दूसरा वाला जो है दूसरा वाला पेज जिसके अंदर हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे, टू डू एप्लीकेशन, ठीक है, ये होम। और होम के बाद एक ये वाला लिंक चाहिए हमें, ठीक है। बाकी वाले लिंक्स को ख़त्म करते हैं क्योंकि दूसरा हमें लिखना है जहाँ पर हम पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दिस वन ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं करता हूँ पोस्ट, ठीक है, क्रिएट अ पोस्ट रख देते हैं जी, क्रिएट अ पोस्ट। आपकी अपनी मर्जी, आइकन लगाने हैं लगाइए, नहीं लगाने नहीं लगाइए। तो लेट्स राइट, तो ये हमारे पास हमारी ये वाली आ गई है नेविगेशन बार, ठीक है। ये एम आर ऑटो है, इसको एम एल ऑटो भी कह सकते हैं, ठीक है। एम एल ऑटो से ये अपना इस साइड पे ले आएगा। उसके बाद उसके बाद बस ठीक है जी, यहाँ हमें अब हमारे पास ये हमारे एक होम पेज है। अभी हमें यहाँ एक और पेज बनाना है जी जिसका नाम मैं रख देता हूँ कि जहाँ से हम पोस्ट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्रिएट पोस्ट की फंक्शनैलिटी बनानी है, तो इसलिए मैं पोस्ट का इसको नाम दे देता हूँ, पोस्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। और हमारे इस सारे के सारे कंटेंट को जी यहाँ भी लिख देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने रूट्स बनाऊंगा, रूट्स किस तरह बनाऊंगा, दिस वन एंड ठीक है जी, ये रूट्स आ गए जी। पहला हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो एक्चुअली मुझे यहाँ पर एक कंटेनर बनाना पड़ेगा जहाँ पर जस्ट मैं पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं करता हूँ PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम लिख देते हैं जी पोस्ट कंट्रोलर, ठीक है। और दिस वन, अब हम ये सेम चीज रिसोर्स कंट्रोलर में भी करेंगे, ठीक है। ये आ गई थी मेरे पास दिस वन, और दिस वन कंट्रोलर्स में जाके ये पोस्ट कंट्रोलर, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अब मेरी अपनी मर्जी है कि मैं कंट्रोलर के थ्रू करना चाहता हूँ, कंट्रोलर के थ्रू कर लूँ, या डायरेक्टली हमारे व्यू पे डालना चाहता हूँ तो मैं व्यू पे डाल दूँ। तो ऐसा करते हैं, हम इसको कंट्रोलर के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। तो दो तीन तरीके थे इसको मैंने आपको बताया था करने के, तो खैर मैं डायरेक्टली कुछ इस तरह कर रहा हूँ। अगर आपने पिछली वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो लाजमी देखो, ठीक है। क्रिएट पे इसको लिख देते हैं, और नेक्स्ट क्योंकि ये लेटेस्ट लारावेल है, लारावेल 8, तो लारावेल 8 में हमें इसके साथ पूरा पाथ देना पड़ता है। तो ये क्या था जी, HTTP, उसके बाद कंट्रोलर, उसके बाद पोस्ट कंट्रोलर @ क्रिएट पे, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ जी, मेथड बना बोल लो या फंक्शन बोल लो, उस फंक्शन को मैं बोल देता हूँ जी पब्लिक फंक्शन, और उस फंक्शन का नाम रख देते हैं जी, पब्लिक का सीमिस हो गया हमसे, ठीक है। तो उस फंक्शन का नाम हम रख देते हैं जी क्रिएट, ओके। और उसके साथ साथ रिटर्न कर देते हैं इसको व्यू पे, और उस व्यू को हम नाम दे देते हैं जी, हमने जो व्यू बनाया था क्रिएट का नाम बनाया था या पोस्ट का बनाया था जी, पोस्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP बनाया था, तो फिलहाल हम इसको पोस्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP कह देते हैं, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास हमारा व्यू आ गया। अब हम ऐसा कर रहे हैं, इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं कि क्या ये वाकई चल रहा है या नहीं चल रहा। तो जी ठीक है, यहाँ से इसको मैंने क्रिएट लिखा, तो ये मुझे कह रहे जी दिस वन इज रॉन्ग। चलो जी यहाँ से देख लेते हैं हमारा क्या प्रॉब्लम आया।
बेसिकली जी प्रॉब्लम कुछ यूँ आया कि ऐप ठीक है HTTP, उसके बाद है जी कंट्रोलर नहीं है, ये कंट्रोलर्स है। तो अब इसको रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा। तो ये जी हमारे पास हमारा पेज चल रहा है, ठीक है। अब हम इसको रूट को नाम दे देते हैं कोई, और इसको नाम भी हम क्रिएट का ही देते हैं, ठीक है। कोई मर्जी आप अपना नाम दे सकते हो, मैंने इसको क्रिएट का नाम दे दिया। ये पूरी एप्लीकेशन आपको इसलिए बना कर दिखा रहा हूँ जीरो से जो है ना एक्सपर्ट लेवल तक, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ आप URL लिख कर भी कर सकते हो, लेकिन एक प्रोफेशनल वे है जी कि मैं कुछ इस तरह लिखूँ। इसमें क्या होता है, हमारी लिंक की या उसकी जो बोलते हैं स्लैश की मिस्टेक नहीं होती, स्मॉल लेटर्स अपर लेटर्स की कोई मिस्टेक नहीं होती, या रूट का जस्ट नाम आ जाता है और हमने क्रिएट लिखा था तो ये क्रिएट आ गया। तो ऐसा करते हैं, और इस फॉर्म को भी हम नाम दे देते हैं जी। तो ऐसा करूँ मैं यहाँ पर इसको मैं डायरेक्टली वेलकम पर ही लिख रहा हूँ, ठीक है, फॉर द टाइम, ठीक है। हम बाद में इसको कर लेंगे जब इसका सेक्शन आएगा। तो मैं जस्ट इसको होम का नाम दे रहा हूँ, और यहाँ पर ऐप डॉट ब्ले डॉट PHP में मैं जस्ट इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, और इसको हम होम लिख देते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर भी हम कुछ इस तरह ही कर देते हैं, ठीक है, हमारे ताकि लोगो पे क्लिक हो तभी वो होम पे जाए, लोगो या एप्लीकेशन जो टू डू एप्लीकेशन ने नाम रखा हुआ। तो जी ये होम पे जा रहा है और ये क्रिएट एप्लीकेशन पे जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं जी, मुझे यहाँ पर जाना है पोस्ट में जाना है, और यहाँ पर मैं एक कंटेनर लगाने लगाऊँ, ठीक है। अब चलते हैं फंक्शनैलिटी की तरफ, कंटेनर लगाने लगाऊँ, और कंटेनर का मैंने नाम लिख दिया यहाँ पर, और इसके अंदर अब मुझे एक फॉर्म चाहिए, ठीक है। फॉर्म के अंदर दो ही चीज़ें रखूंगा, ठीक है, ज़्यादा फॉर्म को हमने डीपली नहीं लेके जाना, हमने जस्ट फंक्शनैलिटी को समझना है। क्लास फॉर्म ग्रुप, आई होप आपको भी बटन्स को जोर जोर से मार कर करने की आदत हो गई है, मुझे तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी दिस वन, और बस ठीक है, जस्ट डायरेक्टली यहाँ कर लगाते हैं जी। एक इनपुट लगा दी, इनपुट का नाम टेक्स्ट है, और इसका नाम रख देते हैं हम इसका नाम रख देते हैं जी टाइटल, ठीक है, पोस्ट का टाइटल और पोस्ट की डिस्क्रिप्शन। चलिए जी अब क्लास लिख दें जी, और क्लास हम लिख देते हैं जी फॉर्म कंट्रोल के, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक लेबल भी लगा देता हूँ मैं, और लेबल का नाम लिख देता हूँ जी टाइटल का। इन फ्यूचर हम इसमें इमेज भी डालकर देखेंगे, ठीक है। तो हमारी ये अपनी मर्जी है, हमने इसको किस तरह लेकर चलना है, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ टाइटल और डिस्क्रिप्शन ही डाल रहा हूँ, ठीक है, और ज़्यादा लंबा फॉर्म हमने कोई नहीं बनाना। और यहाँ मैं टेक्स्ट एरिया डालता हूँ, और टेक्स्ट एरिया में जिसको हम डिस्क्रिप्शन कह लेते हैं, याद रखिएगा कि हमेशा वो वर्ड्स इसके अंदर नेम के अंदर यूज़ करें जो कि रिजर्व वर्ड्स नहीं हो, ठीक है। तो ये जी हमारे पास फॉर्म बन गया, इसके अंदर मैंने फॉर्म कंट्रोल की क्लास नहीं ऐड की, तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ जी फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। और ये देखिएगा ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन का बॉक्स भी बन गया। उसके साथ साथ जी एक और हमें बटन बनाना है यहाँ पर, तो यहाँ मैं पर बटन बना रहा हूँ दिस वन, और जी अच्छा लेबल का टैग हमसे मिस हो गया है, कोई बात नहीं बता दिया करो यार मुझे, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, और इसकी भी अब ज़रूरत नहीं है, तुम भी ऑफ हो जाओ। उसके बाद जी यहाँ पर बटन, और बटन के आगे क्रिएट पोस्ट, ठीक है, और इसको टाइप हम दे देते हैं जी सबमिट की। और उसके साथ साथ यहाँ मैं क्लास दे दूंगा जी बटन बटन और डेंचर, ठीक है जी। ये हमारे पास हमारी एक पोस्ट आ गई है जी, एक्स्ट्रा कहाँ लगा हुआ है ये। अब मैं इसको फ्लोट राइट कर लूँगा बटन, उस तरफ चला जाएगा, फ्लोट लेफ्ट कर लूँगा बटन इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ये आ गया हमारा दिस वन, हमारा एक फॉर्म आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास ये आना चाहिए कि हमारे पास डेटाबेस बननी चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक मॉडल बना लेता हूँ, मॉडल के लिए मुझे करना पड़ेगा कि जी PHP आर्टिसन में, ठीक है, मॉडल पोस्ट का मॉडल रखना है, और डैश एम देना ताकि मेरी माइग्रेशन भी साथ बन जाए, ठीक है। तो ये मेरी माइग्रेशन भी बन गई है, तो मेरी माइग्रेशन इस वक्त कहाँ है, मेरी माइग्रेशन है जी डेटाबेस के अंदर जाऊंगा और जाकर ये निकालूंगा जी, और यहाँ मेरे पास ये थर्ड वाली माइग्रेशन होगी पोस्ट की। इसके अंदर मुझे अब मुझे क्या देना है, ठीक है, इसके अंदर मुझे जस्ट एक स्ट्रिंग में टाइटल देना है, ठीक है,
और उसके साथ साथ अब हम फॉर्म बनाएंगे, टिंकर से काम नहीं चलाएंगे जी, टिंकर का काम पुराना हो गया। और यहाँ पर जस्ट एक डिस्क्रिप्शन देनी है, ठीक है, और उसके बाद मुझे इसको करना है जी। अच्छा जी, डेटाबेस तो मैंने बनाया ही नहीं है, तो चलिए डेटाबेस भी बना लेते हैं जी। डेटाबेस बनाने के लिए लोकल होस्ट पे जाऊंगा, पीएचपी माय एडमिन पे जाऊंगा जी। मेरी पीएचपी माय एडमिन ये ओपन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ हम एक डेटाबेस बनाते हैं जी टू डू के नाम पर। सैम भी नहीं हमने ऑन किया हुआ, ठीक है। अच्छा भाई, एक और बात है, ठीक है, आप लोगों को बताता चलूँ कि हम लारावेल को जब रन करते हैं तो विदाउट एग्जाम्प रन हो जाता है। एग्जाम्प का बेसिकली क्या कनेक्शन है, एग्जाम्प का कनेक्शन क्या है कि वो आपकी डेटाबेस को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो उसके लिए आपने इसको यूज़ करना है, जब हम पीएचपी को इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद हमने एग्जाम्प को ओपन करना है ताकि हमारी डेटाबेस का कनेक्शन बने, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लारावेल को इंस्टॉल करके रन कर लेते हैं तो ये डायरेक्टली चल जाएगा, ठीक है। अब हमारा पीएचपी माय एडमिन ओपन हो जाएगा, और लेकिन प्रॉपर काम इस वजह से नहीं करेगा बिकॉज सारी की सारी एप्लीकेशन जाहिर सी बात है डेटाबेस से ही तो कनेक्टेड होती हैं। तो खैर जी, ये हमारे पास हमारा एग्जाम भी ओपन हो गया है जी, हमारी पीएचपी माय एडमिन भी ओपन हो गई है जी। और यहाँ पर मैं डेटाबेस का नाम रख देता हूँ, अपनी मर्जी से आप कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ नाम रख रहा हूँ जी टू डू, ठीक है, ये टू डू मैंने नाम रख दिया है। और जस्ट अब मुझे यहाँ जाना है और मैं एक दफ़ा अपनी ENV फाइल चेक कर लूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ENV फाइल कनेक्शन फाइल होती है, या टू डू है बस, ठीक है, बिकॉज मैंने सेम नाम रख लिया। अगर आपने सेम नाम नहीं रखा तो आप चेंज कर सकते हो, PHP आर्टिसन सर्व नहीं माइग्रेट। लो जी, ये मेरी माइग्रेशन चल गई है। ये कुछ डिफॉल्ट पे टेबल बने होते हैं, ठीक है, तो फॉर द टाइम हम इन्हें डिलीट करना चाहो डिलीट कर लो, ये मैंने नहीं डिलीट किया तो खैर कोई बात नहीं। तो ये हो गया, खैर हमारे पास ये, ठीक है, बिकॉज यूजर्स का डिफॉल्ट एक सिस्टम बना होता है ऑलरेडी लारावेल के अंदर, आप उसको चेंज कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो अपनी मर्जी से। तो मैंने माइग्रेशन रिमूव नहीं की, आपने करनी हो तो आप लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब जी हमारे पास ये फॉर्म बन गया है, अब करना क्या है हमें, अब हमें एक ऐसा रूट बनाना है कि जिसमें हम फॉर्म को सबमिट करके डेटाबेस में डाटा को ऐड कर सकें। अब उसको कैसे हमें ऐड करना है, मैं जाऊंगा ये रूट्स पे, और उसके साथ साथ मैं अपने सामने ये कंट्रोलर भी खोल लूंगा, ठीक है। कंट्रोलर कहाँ है जी मेरे पास, ये है मेरा पोस्ट कंट्रोलर, ठीक है, ऑलरेडी मैंने क्रिएट बनाई हुई है। तो मैं ऐसा करता हूँ, पी ए पब्लिक फंक्शन, और इसको मैं सेव का नाम दे देता हूँ, ठीक है। और सेव का नाम देने के साथ साथ मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसमें एक रिक्वेस्ट पास करवा लेता हूँ जी। रिक्वेस्ट कैसे पास करते हैं, दिस वन रिक्वेस्ट, ठीक है, और इसको मैं फिलहाल रिटर्न कर देता हूँ रिक्वेस्ट ही। अब मुझे इसका रूट बनाना है, रूट मैं किस तरह बनाऊंगा, सेम वही तरीका है जी। मैं हम ऐसा करते हैं, अब इस दफा हम पोस्ट में रूट बनाते हैं, तो सेम वही तरीका है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट यहाँ जा रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ जा के, और दिस वन मैं ऐसा करने लगा हूँ जी सेव, और इसको हम गेट के बजाय पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं सेव लिख देता हूँ, और इसको नेम भी मैं सेव का दे देता हूँ, ठीक है। और इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि क्या हमारे पास कोई एरर तो नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। अब हम चलते हैं जी पोस्ट की तरफ, पोस्ट की तरफ जाता हूँ, और जाकर मैं देसवान देसवान यहाँ जस्ट मेरा अपना रूट देता हूँ, जो मेरा रूट है जी, उस रूट का नाम क्या है, सेव। और उसके बाद मेथड कौन सा हमने लगाया था जी, पोस्ट का, ठीक है, हम टिंकर नहीं यूज करें, हम फॉर्म यूज करें। एक और चीज है जो हमें यहाँ यूज करनी पड़ेगी, लारावेल अपनी सिक्योरिटी के लिए यहाँ एक टोकन जनरेट करता है जिसको हम बोलते हैं CSRF का टोकन, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिएगा, अब मैं इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलता हूँ, मैंने CSRF लिखा है, @CSRF, ये देखिए अब मेरे पास एक टोकन जनरेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये नहीं लिखता तो मेरा फॉर्म ही सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो लारावेल में जब भी आपने फॉर्म बनाना है आपको ये टोकन यहाँ डालना पड़ेगा, अगर आप यहाँ नहीं डालते तो आपको अपनी हेडर फाइल में डालना पड़ता है, हेडर फाइल में डालना पड़ता है एप्लीकेशन डॉट एप डॉट ब्लेड डॉट PHP जो हमने बनाई है, ठीक है। तो खैर मैंने यहाँ डाले, यही एक बेस्ट वे है डालने का, ठीक है, ये बेस्ट वे है। अच्छा जी, ये मेरे पास टोकन आ गया है जी, ये सेव हो गया है। अब चलते हैं हमारे पास जी दिस वन आई एम डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मैं इसको ट्राई करता हूँ जी। ये देखिए जी, ये मेरे पास मेरा डाटा आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट के आगे लिख देता हूँ जी मेरा, इसका नाम क्या था, टाइटल, ठीक है, जो हमने फॉर्म में दिया था। तो ये देखिएगा मेरे पास ये जस्ट टाइटल आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ तो मेरे पास ये जस्ट
डिस्क्रिप्शन आएगी, यानी कि ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, अरे की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अब मुझे अपने डाटा को डेटाबेस में इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मॉडल लिखता हूँ, मॉडल लिखने के बाद और अपने टेबल वाली जो पोस्ट है मेरी पास उसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक बनाऊँगा जी वेरिएबल, उसके अंदर मैं न्यू लिखूँगा और मैं पोस्ट लिख दूंगा, ये नया ऑब्जेक्ट बन गया। उसके साथ मैं यहाँ पर दिस वन टाइटल लिख देता हूँ और सेम उसी रिक्वेस्ट वाले टाइटल के साथ इसको सेव कर देता हूँ, जो कि मैंने मेरे पास आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके साथ साथ दिस वन डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मेरी अपनी मर्जी है, मैं जिस तरह मर्जी देना चाहूँ मैं उस तरह दे सकता हूँ। दिस वन डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये दो ही चीज़ें थी, ठीक हो गया। उसके बाद आगे जी पोस्ट, इसको मैंने सेव कर लिया, तो ये मेरे पास डाटा सेव हो गया। मैं इसको कहता हूँ रिटर्न में क्या करना है, इसको रिडायरेक्ट बैक। ओके, फिलहाल हम कुछ इस तरह कर रहे हैं, बाद में इसके अंदर हम मैसेज भी लगा देंगे कि भाई जो हमने सक्सेसफुली इंपोर्ट कर लिख दिया, समथिंग लाइक दिस। तो ये है, एक बात याद रखिए कि एक फंक्शन के अंदर आप दो रिटर्न नहीं चला सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक दफा मैं इसको रन करता हूँ, ये मैंने इसको रिफ्रेश किया तो जी ये मेरे पास रन हो, में भी हमें दोबारा फॉर्म को रिफ्रेश करना पड़े तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। ये क्या कह रहा है जी, ऐप डॉट पोस्ट मॉडल डॉट नॉट फाउंड। अच्छा जी, ये मॉडल नहीं है, ये मॉडल्स है, ठीक है। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स में छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं। तो खैर, मैं यहाँ पर मेरे टेबल आ गए हैं जी, मेरा पोस्ट का टेबल था, मेरी पोस्ट के टेबल में जी मेरे पास मेरा डाटा भी आ गया, ठीक है। आप ये देखें, ये डिफ़ॉल्ट पे जब हम टिंकर से कर रहे थे तो ये नहीं हो रहा था, लेकिन जब हमने लारावेल से किया तो ये डिफ़ॉल्ट पे खुद ही आने लगे। अब इसका यूज़ भी आपको मैं दिखाऊंगा कि ये यूज़ क्या है। एक दफ़ा और ट्राई करते हैं, आई एम सेकेंड पोस्ट, ठीक है। और ऐसा करता हूँ मैं यहाँ से कोई डिस्क्रिप्शन उठा लेता हूँ अच्छी सी, ये लें जी, लें जी, ले जी, ये मैं पोस्ट कर रहा हूँ। तो जी वो क्या एरर दे रहा है हमें, स्ट्रिंग डाटा टू लॉन्ग। अच्छा, तो हमने उसकी जो है लिमिट नहीं दी थी, तो खैर कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं स्ट्रक्चर में जाता हूँ और स्ट्रक्चर में जाकर हम अपने हिसाब से उसकी लिमिट दे सकते हैं जी। ये टाइटल 255 है, इसको जितना हमें इंक्रीज़ करना है उतना इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्जी है, ठीक है। और यहाँ से और अदरवाइज लारावेल के अंदर से हम जब माइग्रेशन कर रहे होते हैं तभी हम कर सकते हैं, कोई इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम जिस तरह की सेटिंग्स देना चाहे उस तरह की दे सकते हैं जी। इसको मैंने रिफ़्रेश कर दिया तो लो जी, ये मेरे पास मेरा डाटा आ गया है, ठीक है। तो खैर, ये दूसरी हमारी पोस्ट में इंसर्ट हो गई। तो ये है जी कि हमने डाटा को इंसर्ट कैसे करना है डेटाबेस में बाय यूजिंग लारावेल। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछ लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑलवेज, गुड बाय।